क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम यूज अ रिकर्शन फॉर सॉर्टिंग एन एरे ऑफ इंटीजर्स। तो इनमें से रिकर्शन मेथड कौन यूज करता है जब भी आप सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? तो यहाँ बबल इंसर्शन, बबल क्विक, बबल मर्ज और क्विक मर्ज जो है। तो देखिए इसका जो आंसर है डी, इसका करेक्ट आंसर है। और कैसे, ये देखिए क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों कौन सा मेथड अप्लाई करती है? डिवाइड एंड कंक्वायर। कौन सा अप्लाई करती है? डिवाइड और कंक्वायर। दोनों के अंदर आपको पता होगा क्विक सॉर्ट क्या करता है, इस पाइवट एलिमेंट को क्या करता है, बाकी के जो पाइवट एलिमेंट, बाकी के जो एलिमेंट उसे कंपेयर करने की कोशिश करता है और इसको सही जगह पे प्लेस करने की कोशिश करता है। ओके, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या कर देगा, इस ये जो बच गया है ना क्यू, उसका लास्ट एलिमेंट लेगा और यहाँ पे फिर बीच में उसको सही जगह प्लेस करने की कोशिश करेगा। वहीं क्या करेगा, इधर वाली साइड से लास्ट एलिमेंट लेगा और यहाँ पर बीच में सही जगह प्लेस करने की कोशिश करेगा। तो ये जो तरीका फॉलो करता है कौन सा करता है? डिवाइड और कंकर। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या यूज करता है? रिकर्शन। और मर्ज सॉर्ट की बात करें तो वो भी ऐसा ही करता है। मर्ज सॉर्ट क्या करता है, जैसे आपने कोई ये दे रखी है, ये सॉर्ट करने के लिए एरे दे रखा है, ओके, तो मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा और इसको दो टाइप में कर देगा डिवाइड। फिर वो क्या करेगा, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से कंपेयर करेगा और एक न्यू एरे बनी होगी, उसके अंदर कंपेरिजन करके जो सही जो छोटा होगा उसको पहले प्लेस करेगा, फिर क्या करेगा उस, फिर यहाँ से इसको कंपेयर करेगा, जो इससे बड़ा होगा यहाँ प्लेस करेगा, फिर यहाँ प्लेस करेगा। तो ये भी कौन सा तरीका यूज करती है रिकर्शन का? कौन सा रिकर्शन? एक तो डिवाइड एंड कंक्वायर और एक रिकर्शन का। ओके, तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा। चलिए, थैंक यू।